Once again, evening has arrived, and this is going to be super awesome, amazing evening. It's the time for Global Talk Show by Business Power Academy, Netherlands. And today, in this talk show, we are going to witness something very special, something very beautiful, and something very, very unique, because we have an amazing celebrity from India. None other than Rosie Sharma. Welcome, Rosie, to our show. It's a great pleasure hosting you today. Well, before I take a deep dive in my lovely journey with lovely, beautiful Rosie, I would love to tell you something about her. She is an international icon, an international figure, an international Kathak dancer, the beautiful dance of India. She's a singer, she's a celebrity, and she is a great, great artist. And it's my pleasure once again, Rosie, thanking you to in accepting our heartfelt invitation. And ab main apni yatra shuru karti hu Rosie ji ke saath. To Rosie ji, pehla sawal jo hai, jo one question which my global audience would love to know, that what is your and how you have arrived such an international Kathak dancer? What's the secret? तो आप हमें अपनी कुछ इनक्रेडिबल लाइफ जर्नी से मिलवाइए, ताकि हम सब उसे जाने, हम सब उसे पहचाने, और दूसरी बात, हम सब उससे कुछ ना कुछ सीखे. तो कृपया आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताने का कष्ट करें. थैंक यू. पहले तो मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार कहना चाहूंगी, और सुप्रिया जी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आज उन्होंने मेरा लाइव सेशन लिया और ले रही हैं, तो उनके उनको भी थैंक्स बोलूंगी. और आप सभी दर्शकों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप सभी मेरा लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं. तो मेरी जर्नी जो हुई, वो मैं 3 साल की थी तब से मैंने स्टेज पे परफॉर्म करना शुरू किया. और मेरे जो फादर थे, गुरु नलिकांत दीक्षित पानगांवकर जी, तो उनके सानिध्य में मैं 3 साल की उम्र में जाने लगी श्री राम कला मंच पर. मेरे फादर 30 इयर्स कल्चरल एक्टिविटीज के डायरेक्टर है, तो मुझे याद नहीं आता कि मैंने सीखना कब शुरू किया. मतलब 3 साल की उम्र से करते 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 जब मैं 18-19 की हुई, तो मुझे लगा कि मैं तो काफी चीजों में मतलब सीखने लगी हूँ, और सीखने की तो देख पर आज भी सीख रही हूँ. तो यही पता नहीं लगा कि कैसे जर्नी स्टार्ट हुई. करते 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 काफी म्यूजिक में भी मैंने वोकल में एमए किया, और उसके बाद डांस में भी मैंने पूरा विशारद किया, भास्कर किया. तो मेरे जो गुरु हैं वो सिंगापुर में ही हैं, पंडित चरण गिरधर चांद जी, जो कि जयपुर घराने की एक पीढ़ी हैं. तो बस उन दोनों के सानिध्य में रहकर मैंने संगीत और नृत्य की शिक्षा प्राप्त, और आज आपके सामने इस मुकाम पे पहुंची हूँ. और अभी और सीखना है, और जर्नी आगे बढ़ती है मेरी अभी. रोजी जी, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं, लेकिन जिस तरह से आपने लोगों को बताया, द वे यू हैव एक्सप्लेन अबाउट योर इंस्पिरेशनल लाइफ जर्नी, और जिस तरह से आपने बताया एट द एज ऑफ 3 यू स्टार्टेड, सो आई कैन से ओनली वन थिंग, दैट डांस एंड सिंगिंग आर द रियल गिफ्ट्स ऑफ गॉड व्हिच गॉड हैज बेस्टोड अपॉन यू. So these are the great qualities which God has given to you. So how can we not, encourage you? और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी ये जीवनी जानकर, and जितने लोग हैं जो कुछ अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं, but उन्हें कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, problems आते हैं, challenges आते हैं, but आज आपको देख के लग रहा है कि yes, where there is a will, there is a way. And Rosie ji, aaj main bahut bahut khush hu. And here I would love to connect with my global audience, global leaders, and singer artist. If you have such passion in your life, if you want to become something in your life, but something is stopping you, kindly watch this episode of Global Talk Show, and you will be filled again with a lot of enthusiasm, and you will move in your life again with a lot of vigor, courage, and strength by taking a lot of inspiration from Rosie Sharma. So thank you once again, Rosie ji.
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उस प्रश्न से मेरा एक और प्रश्न है। मैंने आपको हमेशा एक सेलिब्रिटी के रूप में जाना है और एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, आप सिंगर हैं, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ तक आना कोई खेल नहीं है। तो आपके जीवन में क्या क्या अभी तक चैलेंजेस आए, क्या क्या चुनौतियां आई, और उससे बेहद खूबसूरत सवाल ये होगा कि आप उनसे कैसे उभरे, कैसे उन्हें आपने आपने टैकल किया। तो काइंडली जस्ट लेट अस नो अबाउट दिस, हाउ डू यू टैकल योर चैलेंजेस एंड एनी चैलेंजेस व्हिच हैज नॉक्ड यू डाउन, देन इट विल बी रियली अ ग्रेट वन। एक्चुअली में देखिए, चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में आते हैं। अगर लेडीज कुछ अच्छा करती है या अपने लिए जीती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि उसको फैमिली को भी देखना होता है। पर मैं इस मामले में मैंने लव मैरिज करी थी, तो मैंने काफी साल तक अपनी फैमिली को ही प्रायोरिटी दी फर्स्ट। और मतलब ये कि इन लॉज को मनाना वगैरह होता है तो सब कुछ उनके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जब बहुत समर्पण भाव से अपनी फैमिली को टाइम दिया तो मेरे हस्बैंड को कहीं ना कहीं लगा कि इनके शौक कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। तो उन्होंने मेरे लिए कहा कि स्टार्ट करिए। तो मैंने पहले एक बच्चे से स्टार्ट किया, उस टाइम पे मतलब 17 साल हो गए, उस टाइम पे मैं 100 रुपए में बच्चों को सिखाती थी कि बस मेरा शौक पूरा हो, मेरी प्रैक्टिस पूरी हो। उसके बाद करते करते बच्चे आना शुरू हुए, फिर हस्बैंड ने सोचा कि अब चलो इनकी एकेडमी को ओपन कर दें, क्योंकि मैं बच्चों को अपने बच्चों को भी पढ़ाती थी तो उनको भी वो टाइम देके। तो जब बच्चे अपने आप पढ़ने लगे 7th 8th के बाद, तो मैंने एकेडमी ओपन किया, हस्बैंड ने करवाया। तो उसके बाद मेरी जर्नी बहुत फास्ट हो गई, और ये कह लीजिए कि गुरु का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा साथ हुई, क्योंकि मेहनत करने वालों का कर्म होता है तो कर्म से भगवान भी साथ देता है। तो मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, उससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, मुझे ऐसा मालूम है। तो जर्नी पूजा के साथ, मेडिटेशन के साथ, अपने नृत्य संगीत के साथ भगवान से भी कनेक्शन बनता रहा, और आज मैं आपके सामने हूँ। तो बस चैलेंजेस बहुत है कि बस हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा मेरे और बच्चों का। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ रोजी जी कि जब घर में आपको सपोर्ट मिलता है, स्पेशली आपके हस्बैंड का, तो अगर चैलेंटेड वाइफ है तो कभी भी उसका चैलेंज खत्म नहीं होगा, एंड शी विल ऑलवेज मूव फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड इन लाइफ। एंड हियर आई वुड लव टू से वन थिंग, इफ यू हैव द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, स्पेशली योर हस्बैंड, देन नो नन अदर देन द चैलेंटेड वाइफ विल नेवर एवर इज गोइंग टू सिट इन द होम एंड गोइंग टू डिस्ट्रॉय हर टैलेंट। So having a good spouse is just like a lucky girl and lucky woman, which Rori Sharma is reflecting today in this global talk show. So, बहुत ही अच्छा आपने बताया कि कैसे आप आगे बढ़ी, कैसे चुनौतियों को आपने सामना किया, आपने एक बच्चे से क्लास शुरू की, एंड रोजी जी आज आप जहां पर हैं, जिस मुकाम पर, उस मुकाम पर हर कोई जाना चाहता है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट और मुकामों के लिए और सक्सेस के लिए लाइफ में, and wish you all the best in your life because you deserve the best in your life and people are going to take a lot of inspiration from your life too. Well, ab hum aage badhenge global talk show mein apni beautiful Rosie ji ke saath, aur mera ye question ab poochne ka man kar raha hai ki aapne jo ye Vaishnavi dance academy jo bhi aapne khola hua hai, सो कृपया इसके बारे में बताइए, आपने कैसे खोला और आपका क्या मेन काम है जिससे सारे दर्शक जो कथक सीखना चाहते हैं आपसे कैसे जुड़ सके? मैंने अभी कोविड के टाइम पे काफी बच्चों को जोड़ा था, जैसे सब लोग घर पे थे तो मैंने कोविड टाइम में विदेश भाग मेरे साथ जुड़े। उसके बाद मैंने एक ध्वनि प्रोग्राम किया वैष्णवी डांस अकेडमी के पेज पे किया ऑनलाइन, तो उसमें मेरे साथ थाईलैंड से, मॉस्को से गुरु अश्विनी जी हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, वो भी कथा गुरु हैं, तो वो जुड़े मेरे साथ। उदित नारायण जी की वाइफ दीप नारायण झा जुड़ी, विपिन सचदेवा और बहुत सारे बच्चे जो कथा के स्टूडेंट्स थे, सिंगर्स जुड़े। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि मेरा अकेडमी के तहत बच्चे भी उतरते हैं और बाहर से भी लोग जुड़ते हैं, तो मुझे लगा कि इसको मुझे आगे करना चाहिए। तो अभी मैंने अवार्ड शो के बारे में भी सोचा है कि एक जो फॉरेन कंट्री में रह के हमारे जो कथक गुरु हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए कोई अवार्ड नहीं है यहाँ पे, तो मैंने सोचा है कि अब मुझे इस पे वर्क करना है,
कि हमें कला और संस्कृति को जो लोग प्रमोट करें उनको वाकई कुछ गिफ्ट देना चाहिए, ऐसा कि उनको लगे कि हमने कुछ किया जिंदगी में। तो वैष्णवी डांस एकेडमी खोलने का मकसद यही था कि मुझे नृत्य और ये जो कला था, संगीत था, शास्त्रीय, इसको पूरे अपने देश में फैलाना था और जगह भी फैलाना था, क्योंकि इसके साथ मेंटली और फिजिकली ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये मेरा मोटिव था एकेडमी ओपन करने का। बहुत सही। और एग्जाम्स भी होते हैं इसमें, बच्चे एग्जाम्स भी देते हैं, तो वो एग्जाम से उनको अपना आगे भी बढ़ने का मौका मिलता है। So here I would love to request my global audience, if you have a passion for Kathak dance, and as we all know that today is an era of digitalization, sitting in any corner of any country, you can learn dance via platform or virtual platform. So if anybody wants to learn Kathak online, they can contact Rosie Sharma ji, and she is going to take your journey on. She is going to make you the best version of your life, and she can adorn you with beautiful dance of Kathak, because she is a Kathak guru from India, a very, very special gem. So ladies and gentlemen, if you are hearing me now, and if you want to learn Kathak, kindly contact Rosie Sharma ji. Well, Rosie, this is fabulous, and people are going to connect you because you have been watched live in 30 countries, and you are going to promote by everyone, because everybody wants to learn, earn, and of course they want to inculcate dance such as Kathak, and it's really, really a great dream for everyone. Thank you so much. Ab hum aage badhte hain, and Rosie ji, mera question aapse ye aa raha hai ki हर किसी के कोई ना कोई ड्रीम होता है, मिशन होता है, विजन होता है, कुछ सपने होते हैं। तो आपने अपने सपने के लिए क्या प्लान किया है आगे के टाइम में? सो काइंडली एनलाइटन अस। मेरा सपना देखिए, बस अब यही एक रह गया है कि मुझे ये चाहती हूँ, मैंने कभी कॉस्ट नहीं लिया, वो भी एकेडमी में फीस पे करना होता है, नहीं तो मैं नॉमिनल सा चार्जेस लेती हूँ, जैसे 1200, ज्यादा नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है कई लोग पैसे के चक्कर पाते, तो मुझे बस ये ईश्वर ने मुझे पैसे की कमी भी नहीं छोड़ी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे केवल अपनी कला और संस्कृति को आगे बढ़ाना है, और वो भी कि सभी लोगों के लिए है, चाहे वो विदेशों में रह रहे हैं चाहे यहाँ पे रह रहे हैं। जो एक्टिविटीज शास्त्रीय नृत्य में होती है और म्यूजिक में होती है, संगीत में, वो आपको भगवान से कनेक्ट करती है, तो मैं चाहती हूँ उससे मेंटली भी शांति मिलती है, फिजिकली भी आपकी हेल्थ अच्छी होती है। तो मुझे बस ये कि एक बार ये सब चीजें, क्योंकि धरती पे सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य वगैरह चले थे, तो उनमें कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी कि जो भगवान के जमाने से, तो पूरी दुनिया के लिए मुझे है कि इससे आपको बहुत शांति मिलेगी, तो आपको इसको सीखना चाहिए, और उसमें अनुशासन भी होता है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, तो डिसिप्लिन भी आता है, आपका हेल्थ भी इम्प्रूव होता है, तो बहुत बस ये पूरी जगह ये सिखाना है कि नृत्य और संगीत में आप लिप्त रहिए, तो आपको बहुत मजा आएगा जिंदगी जीने का, और जिसने नृत्य और संगीत को नहीं जिया तो शायद वो धरती पे आके भी अधूरा है। रोजी जी, मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं, क्योंकि आज आपने मुझे मोटिवेट कर दिया। मैंने भी अपने लाइफ में 12 इयर्स सितार सीखा था, पर अपने अपने क्या बोलते, सम टाइम्स इन माय जॉब एंड सम टाइम्स इन माय फैमिली आई जस्ट यू नो लेफ्ट। मैंने राग मियां मल्ला, राग बेश, एंड मुझे सारे राग याद आ रहे आज। सो मैंने लेकिन सब कुछ स्टॉप कर दिया था, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता था कभी अपने जॉब की वजह से। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे उस सितार को अपने कबर्ड से निकालना चाहिए, उसको बनाना चाहिए, उसको रिपेयर करना चाहिए, एंड आई शुड स्टार्ट इट, बिकॉज आपने मुझे मोटिवेट कर दिया कि जो संगीत मैंने छोड़ दिया है वो मैं फिर से शुरू करूँ, मैं फिर से उसे बजाऊं, और फिर से राग मियां मल्लार को फिर से याद करूं, राग भैरवी को याद करूं, राग यमन को याद करूं, एंड सारे राग सब मेरे मन में आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग मी। आपको पता है मेरा सबसे
फेवरेट जो साज है वो सितार ही है, मुझे बहुत सुनना बहुत पसंद है सितार जी को सुनना। जब वो बजता है तो ऐसा लगता है बसंत ऋतु का तो इतना अच्छा लगता है मुझे, ऐसा लगता है बस नाचने लग जाओ आप। यस बिल्कुल सही. सो थैंक यू सो मच रोजी जी फॉर इंस्पायरिंग मी टू एंड इंस्पायरिंग मिलियंस ऑफ पीपल हु आर वाचिंग दिस लाइव. इट्स अ ग्रेट वन. And I will request everyone to connect with Rosie Sharma, and she is the founder and director of Ashtami Academy Kathak Dancer. If you want to learn something in your life, if you want to flourish in your career like Kathak dancer, singer, she's there to help you. You can contact her online and you can make your life the best wonderful life. So moving ahead, and before I say goodbye, Rosie ji, everybody is waiting. Thank you. आपका एक पावरफुल मैसेज सुनने के लिए सभी इंतजार कर रहे हैं, तो फिर हम इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है. यस बस मेरा बस यही कहना है कि लेडीज के लिए मेन मैं चाहती हूँ, देखिए जेंट्स तो अपना बाहर जाके या कुछ भी ऑफिस जाते हैं जॉब करते हैं, लेकिन जो घर में वुमेन्स हैं उनके लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अपने लिए टाइम जरूर निकालिए। फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा जब आप अपने लिए काम करेंगी या अर्न करेंगी, तो फैमिली अपने आप सपोर्ट करेगी आपको, और आपको धरती पे एक नेचर देके भगवान ने भेजा है उस नेचर को खत्म मत कीजिए, और कहीं ना कहीं जहां भी आपका बचपन का जो शौक है और पूरी जिंदगी वो करेंगे तो आप ज्यादा यंग रहेंगे और खुश भी रहेंगे। तो के लिए है कि घर में रह के भी चाहे म्यूजिक सुनिए या थोड़ा बहुत डांस कीजिए, तो अपने लिए जरूर जिए, वो बहुत जरूरी है। थैंक Thank you so much, Rosie ji, for inspiring every woman of this world. Love yourself is your first responsibility towards yourself. So once again, thank you so much for making this evening super special across the globe. And I heartfelt thanks to you. I heartfelt congratulating you for more success, more laurels in your life. Thank you so much, Rosie ji. Namaskar. Namaskar, and also namaskar, you can say a great wishes to my global audience who are keep on cheering us. Keep doing that. Stay happy, Helen Aati. Bye-bye for now.